सोचे हमारा लड़का पढ़े जात है तो पढ़ाई कैसे हम करेबे, अपने लड़का बच्चन खाना कैसे खोबे बता। ओ भैया तुम खाओ ये लेके, अब हमारे तो हजम हो ही नहीं, लेके हमारे फसलों नाश हो गए, सब लुंड भुंड परी है, अब तो कुछ हुआ नहीं, हम जाइए घर में रोनो है देखे वालों तुम बच्चे ठीक है। भैया हाँ भैया बताओ, दादा अपने मजबूरी समझत है। हाँ भैया हम हो तो मजबूरी समझते है। हाँ सही है, हम तुम का किन जाई, हम तुम का किन जाई, मालिक जाने है। सही है भैया, मालिक दरमाई करे है। अब का बतावा जाए, अब दादा के फसल नाश भवत उनके साथे साथे हमारी तुम्हारी तो नाश भाई। सही बात आई, अरे काहे बेसारे हारे भागती तमोरे भैया। इधर गौरी अपनी झोपड़ी में बैठी है और उधर से इंडिया के पति जिनका नाम होता है दीपू किसान आते हैं और देखिए पति पत्नी में क्या बातें होती हैं। ये बताओ तुम्हें दादा कहाँ गए हैं? हाँ दादा खेतर गए हैं। ठीक है मैं उनका इंतजार करती हूँ। ठीक ऐसा है, हम जाए थे अपनी हमारी गौरी है कि नहीं जाओ। अच्छा तुम न जाओ, हम खुद मिले, तुम ही रहो, आप ही का इंतजार हो रहा है। हाँ तो ठीक हम जाए। गौरी क्या बात है जी? पिताजी गौरी क्या बात? अरे हाय गौरी, अरे सुमुख सुंदरी तुम सुनो, हाय किस तरह हो पराई प्रिय कुछ समझ में भी आता नहीं। आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता है, इतनी अच्छी फसल हमने इतनी मेहनत से उगाया था, गेहूं तला कभी मटर जो तैयार थी आज टिड्डियों ने सब नष्ट कर दिया है। बताओ होश में है कोई, कर गए
फसल तैयार होगी और अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाई कराएंगे और हम दोनों कम से कम प्रेम से बैठ करके घर में खाएंगे। लेकिन जब ऊपर वाले को नहीं अच्छा लगा है तो क्या करेंगे? तो प्रिय एक बात मेरी और सुन। क्या बात है? तो जा रहा हूं मैं राजन के घर। अब प्रिय नौकरी मिल गई जाने पर लाल की हो पढ़ाई सुनो। देखो गौरी, क्या बात? हम महाराज के यहाँ जा रहे हैं। अगर मुझे वहां नौकरी मिल गई तो अपने बेटे की पढ़ाई सफल हो जाएगी और हमारी तुम्हारी रोटी चल जाएगी। ठीक है, आप जैसे कहते हैं जाइए, क्योंकि हमारे बेटे की पढ़ाई न बर्बाद हो। हाँ प्रिय, इसलिए हम जा रहे हैं महाराज के यहाँ और तुम अच्छी तरह से आ रहे हैं। ठीक है, इधर आओ भैया। देखो तुम्हारी चाची बूढ़ी है, इसलिए जो कुछ मंगाए अगर तुम्हारी चाची तो ला करके दे देना, इसलिए ये महाराज के यहाँ जा रहे हैं। ठीक और प्रिय हम जा रहे हैं। ठीक है, न जाने भगवान की कैसी लीला है। ठीक है, जो किस्मत में लिखा है वही तो होगा। और अब जो चाहे वही तो होना है।
अपने दरबार में आते हैं और अपने नौकरों से देखिए क्या बातचीत करते हैं। आइए मेरे दोस्तों, ये उदयपुर राजधानी यहाँ के महाराज राज करते जिसका नाम होता है महाराज भयभीत सिंह। देखिए महाराज के आगमन के पहले, महाराज के आगमन के पहले महाराज के दरबार में जो भी कर्मचारी लोग हैं वो देखिए सब अपनी अपनी ड्यूटी पर अलर्ट हो रहे हैं और महाराज भयभीत सिंह का बहुत ही खास नौकर जिसका नाम होता है मंत्री संग्राम सिंह। देखिए मंत्री संग्राम सिंह अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो रहा है। मंत्री संग्राम सिंह द्वारपाल अपनी अपनी ड्यूटी पे तैनात हो जाओ ताकि महाराज के आने का वक्त हो गया है। हम लोगों का फर्ज बनता है कि हमारे सम्राट है कैलाश नगर के, उनके हुक्म का पालन करना हमारा तुम्हारा कर्तव्य बनता है। आपका आशीर्वाद है, जो आप कहेंगे आशीर्वाद के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। द्वारपाल इस खंभे को थोड़ा और ऊंचा कर। Thank you.
द्वारपाल, तुम लोग हमारे नीचे के हो, इसलिए हमारे हुक्म का पालन करना तुम लोगों का कर्तव्य होता है। आपकी इज्जत मान सम्मान का सहयोग है। चिया द्वारपाल बोलिए, नाम संग्राम सिंह मेरा अचल मुझसे कहती है। शांति होना लोग मुझे संग्राम कहते नाम संग्राम सिंह मेरा अचल मुझसे कहती है। हवा ही मेरी बाजू से जरा छुप कर घेर जाती है। नजर जिस मुल्क में डालू, नजर जिस मुल्क में डालू वो हरी सूखी सौख हो जाए, और नजर जिस तब करूं टेढ़ी तो सोना रात हो जाए। नौकर आपका, हम लोगों से बाद में बातें करेंगे, क्योंकि सम्राट का आने का वक्त हो गया है और हम सम्राट का आने का इंतजार करते। अपने में ड्यूटी तैनात हो जाओ, दोस्तों महाराज भैभी सिंह की सवारी आ रही है। महाराज भैभी सिंह की, महाराज भैभी सिंह की, महाराज भैभी सिंह की, महाराज भैभी सिंह की। मंत्री इधर मंत्री संग्राम सिंह, आप सब कुछ कहना चाहते हैं। तो मंत्री संग्राम सिंह, तो मेरे आपका मंत्री और संग्राम सिंह मेरे प्रजा में है छाई हुई सोना लगता है। सम्राट, हाँ महाराज, आप मंत्री संग्राम सिंह राज के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ। कि हमारी प्रजा को किसी बात की तकलीफ तो नहीं? हाँ, तकलीफ नहीं है। कि मैं इधर देखता हूँ, मेरी रैयत, मेरी रियासत, सम्राट, मेरी चिंता अवश्य परेशान न आपसे सारी बातें बताएगा। तशरीफ लाइए, आप बेफिक्र, ये रहिए महाराज जी, आप नाम की जयकारा चारों तरफ मचा रही है और हर प्राणी एक साथ प्याले में दूध हाथ खा रहे। यानी आपका कहने का मतलब है जिया कि हमारी प्रजा जय जयकार मना रही है। जिया सम्राट, यही उम्मीद करता हूं मंत्री संग्राम सिंह, तुम मेरे वफादार मंत्री हो।
बाहर उधर कीजिए, इधर महाराज और उनके मंत्री दरबार में आराम करते हैं, उधर से टीपू किसान आते हैं, देखिए क्या बातचीत करते हैं, कहानी में गौर कीजिएगा। आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं राजन? तो तुम्हारे दोस्तों और तो पता पैसे तेरे गम भरी राज, दिल मुझसे तुम और बता दीजिए आया जो तुझे उलझा राज, दिल मुझसे तुम और बता दीजिए आया जो तुझे आफता तू राजन, आपके पास आने का कारण शायद नहीं जानते हो। क्या कारण है? इसलिए आए हैं तो टिटियों ने आन कर अरे कल तो बाहर टिटियों खाने की तो बात छोड़ो, मेरे बेटे की पढ़ाई बेकार हो गई। यानी आपके कहने का मतलब है कल टिड्डिया तुम्हारे खेतों में आई और सब खड़ी खड़ी फसल खा गई। हाँ मालिक, बेटे की पढ़ाई तो दूर गई, खाने की मुसीबत तुम्हारे सर पे। हाँ मालिक, इस समय खाने को एक दाना नहीं रह गया। बताओ मालिक, हम क्या करें? तुम्हारे पास एक दाना नहीं है, ये तो पैसा नहीं है, तो बेटे की पढ़ाई कैसे होगी ना? हाँ मालिक, तो सुनो ना जरा। करो मैं
रुपया महीने नौकरी करो मेरे दरबार में 20 रुपया महीने मंत्रीवर मंत्रीवर क्या हुक्म है ये सुना जवाब नौकरी दी जाए अच्छी बात और इसकी तनख्वाह एक महीने पहले कमाल की 5 रुपए रेड बास दे दिया जाए तशरीफ लाइए आप बैठी अरे दीपुआ हाँ वाले तेरा बिटुआ पढ़ रहा है हाँ वाले और तेरा खेती सारी टिंडिया खा गए हाँ कल कल वाली दोपहर में टिड्डिया ही पूरी की पूरी फसल दिखुआ हमारी बात मान तू बुढ़ापा हो गया है इस उम्र में नौकरी करेगा अच्छा नहीं लगेगा अपने बिटवा की पढ़ाई बंद करवा दे दरबार में नौकरी करवा जिससे परिवार पले मालिक ऐसा नहीं क्यों हम नौकरी करेंगे और हमारे बिटवा को पढ़ा दे अरे पागल यहाँ अच्छे अच्छे घरों के लड़के मारे मारे फिरते हैं भूस देते हैं तब भी उनकी सुनवाई नहीं होती उनको नौकरी नहीं मिलती हाँ मालिक तेरे बेटवा को नौकरी मिलेगी लेकिन मालिक बेटवा का हमारे पढ़ाई का शौक है एक दिन हमका 20 रुपया महीना अरे द्वारपाल इधर तुम्हारे ले जा खजांची से 5 रुपये एडवांस दिलवा दे ठीक अब भैया जो गोबर ओबर फेंको की सब कह ले हाँ कह ले लेकिन एक कागज लेकर आ इसके साइन करवा ले मालिक का है कि साइन अरे एडवांस रुपये दे रहे हैं तो एडवांस रुपये की साइन नहीं होगी अरे तो खुशी में ले आता है खुशी में नहीं या कोई खैरात नहीं बट रही है कि महाराज ने हुक्म दे दिया तो खुशी में दे रहे हैं अरे मालिक एडवांस जब तू नौकरी करेगा तेरी तनख्वाह में कटेगी काली खेल परी भैया हम पढ़े नहीं ना उठा लगाए थे लगा लियो कहा धरी ऐसी जाओ अरे जा ले जा हो गया अलमारी में इसको रख देना जाओ सदा खुश रहो